फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास टेंथ में यूनिट फाइव में जो जीवनियाँ आने वाली हैं उनको बहुत शॉर्ट में कराने वाली हूँ। टर्म टू में आपको कितना लिखना है, क्योंकि आपका पेपर वन आवर का होगा, उसमें आपको कितना लिखना होगा मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं तानसेन जी की जीवनी। तानसेन जी का असली नाम तन्ना मिश्र था। इनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम मकरंद पांडे था। इनका जन्म स्थान था ग्वालियर से 7 मील दूर बेहट गांव में। इनके जो गुरु हैं वो है स्वामी हरिदास जी, और इनसे इन्होंने 10 साल तक संगीत की शिक्षा प्राप्त की। इनका विवाह हुसैनी से हुआ, जो रानी मृगनयनी की दासी थी। इनके जो बबच्चे थे वो थे, 4 पुत्र थे, सूरत सेन, शरद सेन, तरंग सेन और विलास खां। और इनको एक पुत्री हुई जिसका नाम था सरस्वती। इनके जो समकालीन गायक थे वो थे बैजू बावरा। इनका संगीत में देखिए क्या क्या योगदान रहा है। इन्होंने जो ग्रंथ रचना की है वो संगीत सार, रागमाला और श्री गणेश स्तोत्र। इन्होंने रागों की रचना भी की, जो इस प्रकार है: मियाँ की तोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग और दरबारी कानड़ा। इन्होंने वीणा और सितार के आधार पर सुरबहार साज की रचना की, और वीणा के आधार पर इन्होंने रबाब नामक साज बनाया, और इनकी मृत्यु हुई 1585 में। नेक्स्ट जीवनी है सदारंग जी की। सदारंग जी का असली नाम नियामत खां था। जन्मतिथि के बारे में इनका मालूम नहीं हो सका है, केवल अनुमानित है कि इनका जो जन्म है वो 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुआ था। इनके पिता का नाम लाल खां था और दादा का नाम जो था वो खुशहाल खां था। यह मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के दरबारी गायक थे। संगीत में जो देन है वो इस प्रकार है: 18वीं शताब्दी के संगीत के क्रांतिकारी परिवर्तनशील अन्वेषक रहे हैं ये। इन्होंने 1800 ख्याल रचे हैं, जिनमें 900 इन्होंने अपने शिष्यों को सिखाए हैं और 900 अपने खानदान वालों को सिखाए हैं, लेकिन कुछ का विचार है इन्होंने ख्याल अपने खानदान वालों को नहीं सिखाए। कव्वाल घराने को मजबूत नींव दी इन्होंने। यह वीणा ध्रुपद में पारंगत थे तथा इनमें कुछ आविष्कार भी किए। कोमल पदावली वाली कई अच्छे ख्यालों की रचना की, जो आज तक सुनने को मिलते हैं। थर्ड जीवनी है फैयाज खान जी की। इनका जन्म 1886 में हुआ था, और इनका जो जन्म स्थान है वो सिकंदरा आगरा है। इनके पिता का नाम सफदर हुसैन था, और इनके गुरु थे इनके खुद के नाना, जिनसे इन्होंने 5 से 25 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की। इनकी जो उपलब्धियां रही हैं वो इस प्रकार हैं: इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया 1906 में, और इनको आफ्ताब मौसीकी के पुरस्कार से नवाजा गया 1911 ईस्वी में। बड़ौदा के दरबार सियाजी राव ने इनको अपने दरबार में दरबारी गायक नियुक्त किया। बंगाल संगीत परिषद तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इनको सम्मान मिला 1935 ईस्वी में। लाहौर रेडियो स्टेशन में प्रस्तुतियां दी इन्होंने। इनकी जो विशेषताएं थी वो है: काफ़ी नीचे स्वर से ये गाया करते थे, जोरदार और भरावट आवाज़ थी, सभी तरह के गायन में निपुण थे, ख्याल ध्रुपद धमार अच्छी तरह गाते थे, ख्याल में भी नोम तोम का लाप करते थे, और बीच बीच में तू ही अनंत हरी कभी कभी गाते थे। इनका जो रचनात्मक नाम था वो है प्रेम प्रिया। इनके जो शिष्य हैं वो हैं दलीप चंद्र बेदी, अता हुसैन, लताफत हुसैन और शराफत हुसैन। इनकी जो मृत्यु हुई वो ही 5 नवंबर 1950 में, जिस समय वो 64-65 की उम्र में थे। इनके जो प्रिय राग थे वो थे जयजयवंती, तोड़ी, ललित, दरबारी और रामकली, और ये आगरा घराने से थे। नेक्स्ट जीवनी है पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जी की। इनका जन्म 1897 में हुआ और इनकी मृत्यु हुई 1967 ईस्वी में, और ये ग्वालियर घराने से थे। इनका जन्म स्थान है बड़ौदा के जहाज गांव में। इनका जन्म हुआ 1897 ईस्वी में। इनके पिता का नाम था श्री गौरीशंकर ठाकुर। मधुर आवाज की ईश्वरीय देन जन्म से ही इनको प्राप्त थी। बाल्यकाल में शिक्षकगण इनके काव्य गायन से प्रसन्न हो जाते थे। जब ये 14 वर्ष के थे तभी इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था।
ओमकारनाथ ठाकुर जी विशेष रूप से तो ख्याल के गायक थे, फिर भी ध्रुपद धमार और टप्पा ये सफलतापूर्वक गा सकते थे। पंडित मदन मोहन मालवीय ने इनको संगीत प्रभाकर की उपाधि से सम्मानित किया। संगीत जगत में जो देन है इनकी वो इस प्रकार है। पंडित ओमकारनाथ ठाकुर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संगीत विभाग के कुलगुरु रहे। इन्होंने जो पुस्तकें लिखी वो इस प्रकार है। इन्होंने हिंदी में प्रणम भारती व संगीतांजलि पुस्तक लिखी और गुजराती में राग अने रस नामक इन्होंने पुस्तक लिखी। 1955 में 1955 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत सरकार ने इनको पद्मश्री की उपाधि से नवाजा और इनकी जो मृत्यु हुई वो हुई 28 दिसंबर 1967 ईस्वी में। तो इस प्रकार हमने किया तानसेन जी की, सदारंग जी की, फैयाज खां जी की और पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जी की जीवनी के बारे में हमने आज पढ़ा है, वो भी वो वेरी शॉर्ट में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।